हाय मूवी शुभियंत, क्या हाल चाल है जी? सब कुछ बढ़िया है। कुछ ब्रह्मास्त्र पर विचार विमर्श करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लोगों की बहुत ज़्यादा रोने की आदत होती है। बहुत रोते हैं वो पहले ये बोलते हैं कि जी कुछ नया आना चाहिए, फिर नया आता है तो फिर अभी रोना शुरू हो जाते हैं कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है। और बहुत से लोगों को मेरा जो रिव्यू है मूवी शुभी के ऊपर जो आया ब्रह्मास्त्र, बहुत अच्छा लगा। और जो बाकी लोग हैं उनको लगा कि पेड रिव्यू है, ये है वो है, जो भी उनके जो विचारधारा के एकदम विपरीत होगा वो पेड है। और जब इनके आईडीज़ आप चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस आईटी सेल को ये बिलोंग करते हैं। तो मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ ये चीज़, ठीक है? बट एनीवेज, क्योंकि हमारा काम है ढंग से रिव्यू करना, तो हम लोग गुड बैड अगली के बारे में बात करेंगे और अनअपोलोजेटिक तरीके से बात करेंगे। मुझे तो मूवी ये बहुत बढ़िया लगी, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बट ये कमियों के साथ आती है, एकदम परफेक्ट नहीं है। अगर आप एक बहुत ही ग्रैंड सुपर हीरो वाली फिल्म देखना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन फिल्में बन चुकी हैं, लेकिन ये भी बहुत बढ़िया है। इसके अंदर कोई ऐसा कोई खास रोने वाली बात नहीं है। जो लोग रो रहे हैं इसको लेके, वो शायद जेलस हैं या फिर चाहते ही नहीं है कि हिंदी सिनेमा कुछ एक मुकाम पर पहुँच पाए। एनीवेज, आज की इंटेंशन ये होगी कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स ही रेज करती है जो फैन बन चुके हैं इस पूरे फ्रेंचाइजी के। क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी और क्या चीज़ें हमें इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए इस मूवी के अंदर, ताकि जो फ्रेंचाइजी है और बेहतरीन हो पाए। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है, पहले तो मुझे यही बहुत बढ़िया लगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का था। और जिस तरीके की इसको स्टार्ट मिली है वो मुझे तो लगता है काफ़ी अच्छी है। बट क्या होता है कि जब कभी भी आप ब्रह्मास्त्र देखते हो तो आपको एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी कि एक ही शक्ति के यूज़ और मिसयूज़ हो सकते हैं। तो नेगेटिव फोर्स जो होती है वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। यहाँ पर जो कैरेक्टर आपको दिखता है शिवा का, उसके पास अग्नि अस्त्र होता है, अग्नि पावर होती है। और एक और थोड़ा सा स्पॉइलर दूंगा, यहाँ पर देव करके कैरेक्टर है, वो भी सेम तरीके की पावर पोजेस करता है। लेकिन दोनों का यूसेज जो ये दोनों कैरेक्टर्स डिफरेंटली करते हैं, वही आपको अलग तरीके से मूवी का मज़ा उठाने देता है। फॉर एग्जांपल, यूट्यूब सबके पास है, सोशल मीडिया सबके पास है। आप सोशल मीडिया पे आप गंद मचाते हो कि पॉजिटिविटी फैलाते हो, ये आपके हाथ के अंदर है, ये एक सीधा डेमोन्स्ट्रेशन है वहाँ से। अब क्वेश्चन जो उठते हैं इस मूवी को देखने के बाद, वो ये है कि जो स्टोरी समझाई गई है हमें शिवा के पेरेंट्स को लेके, अमृता और देव को लेके, थोड़ा स्पॉइलर यहाँ पर हो रहा है और ये फैंस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो क्या वो सच्ची पूरी कहानी है, या इसके अंदर भी कुछ ट्विस्ट हैं? क्या वो जेन्युइनली थोड़े से ट्विस्टेड पेरेंट्स हैं कि नहीं है, ये आपको पार्ट टू में देखने को मिलेगा। क्या वो रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण है? पता नहीं, बट लग तो रहा है बॉडी लैंग्वेज से शायद वो दोनों हैं, और ये र्यूमर्स भी हैं कि ये दोनों इंक्लूडेड होने वाले हैं। और दूसरा जो क्वेश्चन आता है कि जो शिवा है वो अपनी शक्तियों से एंड में ब्रह्मास्त्र का जो अनस्टेबल वर्जन होता है, जब वो जुड़ जाते हैं, वो कैसे कंट्रोल कर पाता है? और स्पेसिफिकली एक सीन आता है जिसके अंदर ईशा यानी कि आलिया भट्ट उसको टच करती है तो एक कंट्रोलिंग पावर निकलती है। वो जो कंट्रोलिंग पावर थी, सेम तरीके की पावर थी जब एंशियंट टाइम के अंदर ये ब्रह्मास्त्र बना था और ऋषि मुनि उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, उसी तरीके की पावर निकली, और जो कि शिवा के पेरेंट्स के अंदर भी थी। एक आग की पावर थी और एक थोड़ा कूलिंग इफेक्ट की पावर थी। तो क्या ये उसी तरीके की पावर है? तो विच मीन्स कि शिवा का जो कैरेक्टर है बहुत ही ग्रैंडर होने वाला है। और क्योंकि ईशा जो है उसका सपोर्ट फंक्शन बन जाती है, उसका कूलिंग इफेक्ट बन जाती है, तो एक डीपर लव स्टोरी की नीड यहाँ बन जाती है, जो लोग कुछ लोग अननेसेसरी उसको क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में तो ज़रूर आ रहा है कि देव को जिस तरीके से विलन दिखाया गया, पता नहीं, मेरी ऐसी एक फीलिंग है कि ये शायद ये विलन ना होके कुछ डीपर मीनिंग इसके अंदर निकलने वाला है। बट लेट्स सी, अब मुझे क्या क्या अच्छा लगा इस मूवी के अंदर। एक तो जिस तरीके से अस्त्रों का वर्णन किया गया, वो बहुत अच्छा लगा। अस्त्र पावर देते हैं ह्यूमन बींग को, तो ह्यूमन बींग तो वनरेबल ही है, वो पिट भी सकता है, उसका खून भी निकलता है, वो मर भी सकता है, कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। जो पावर आती है वो उन अस्त्रों से आती है, ये काफ़ी अच्छे तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया। ग्राफिक्स जो हैं नेक्स्ट लेवल के हैं, शांगचिन के अंदर भी इतने ही ग्राफिक्स थे, तो वहाँ तो हमें बहुत पसंद आए थे। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि ओवर यूज़ है, ये है वो है, कुछ हद तक ठीक है, बट ज़्यादातर लोग नेगेटिविटी फैलाने के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि जो टीचिंग है इसके अंदर गुड और बैड की, वो काफ़ी अच्छी डेमोन्स्ट्रेट करी गई है। एक ही शक्ति का अच्छा इस्तेमाल बुरा इस्तेमाल भी हो सकता है, और एग्जाम्पल मैंने दिया है, या यूट्यूब ले लो, सोशल मीडिया ले लो, कुछ लोग हेटरेट के लिए यूज़ करते हैं और कुछ पॉजिटिविटी के लिए यूज़ करते हैं।
एक और अच्छी बात यहाँ पर मुझे लगी वो है सिंपल नरेटिव। नरेटिव बहुत ही सिंपल तरीके से रखा गया है, लीनियर तो नहीं बोलूँगा मैं इसको, लेकिन बहुत ही ठीक ठाक तरीके से आपको समझ में आ जाती है ये, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया गया, बट इतना सस्पेंस तो है कि आप इसको नेक्स्ट वर्जन को देखना चाहोगे। दूसरा जो बात हम ये कह सकते हैं कि जो मुझे अच्छी लगी वो है फादर और सन का जो फेस ऑफ पॉसिबल है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, जिसका नाम ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 कोलन देव है, और वो जब आएगी होपफुली नेक्स्ट ईयर आएगी, तो उसके अंदर जो देव वर्सेस शिवा होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर देव का कैरेक्टर नेगेटिव निकलता है क्योंकि वो भी उसी के अंदर से निकला है शिवा का जो कैरेक्टर है, तो कहीं ना कहीं अगर आप हल्क को अगर याद करो तो हल्क में जो उसका फादर होता है वो भी हल्क होता है, पार्ट 1 की बात करो, और हल्क तो खुद उसी में से निकला है, तो दोनों की लड़ाई होती है एंड के अंदर और हल्क हार रहा होता है, और उसके बाद वो पूरी पावर छीनने की कोशिश करता है उसका फादर, और वो पूरी पावर जब देता है तो उसे संभलती नहीं है और वो फट जाता है। ऐसे ही कुछ शायद यहाँ पर भी होगा कि शिवा अपनी पूरी पावर्स का इतना ज़्यादा डेमोन्स्ट्रेशन करेगा कि देव जो है उसको हैंडल नहीं कर पाएगा और वो खुद ही अनस्टेबल हो जाएगा, कुछ ऐसा लगता है, और वो एक डायलॉग आता है टेक इट ऑल, वैसा सब कुछ होगा। अब अगर इम्प्रूवमेंट एरियाज़ की बात करें, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्रिटिक्स जो हैं वो आजकल के क्रिटिक्स कम और रिएक्शन ज़्यादा दे देते हैं, तो क्या क्या चीज़ें इसमें इम्प्रूव हो सकती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो इसका टाइम थोड़ा सा काटना चाहिए। अब आपने सारी चीज़ें इस्टेब्लिश कर दी हैं तो आपको 3 घंटे की मूवी नहीं चाहिए, आप 2.5 घंटे के अंदर भी इसको निपटा सकते हो, तो वो रखो। VFX कुछ चीज़ों में आप कम कर सकते थे, फॉर एग्ज़ाम्पल जब शिवा कुछ सोच रहा होता तो क्वेश्चन मार्क के एक एनिमेशन सा बन जाता है आग का, वो उतनी लेवल की ज़रूरत नहीं है VFX की। आप जब लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ हो रही हैं, आपको कुछ इस्टेब्लिश करना है, थॉट प्रोसेस इस्टेब्लिश करना है, तब आप कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप थोड़ा डीपर जाओ तो जो ब्रह्मानस है उसकी स्टोरी यहाँ पर थोड़ी सी टिप ऑफ द आइसबर्ग तक ही दिखाई गई है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है पार्ट 2 पार्ट 3 के अंदर कि आप SRK शाहरुख खान, नागार्जुना, डिम्पल कपाड़िया, इन सबके रोल को और डीपर मीनिंग दो और डीपली दिखाओ और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर दिखाओ, तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और इस पर्टिकुलर वर्जन के अंदर जो चीज़ मुझे थोड़ी सी वीक लगी वो ये लगी कि जो लव स्टोरी है वो ऑल ऑफ अ सडन शुरू होती है, जब आपको बहुत डीपर लव स्टोरी दिखानी होती है तो डीपर स्टार्ट भी चाहिए होती है, जो इसकी थोड़ी सी कमी है। कमी ये नहीं है कि ये लव स्टोरी के एलिमेंट इसके अंदर ज़्यादा बहुत सारे सीन्स के अंदर आते हैं, वो कमी नहीं है। कमी ये है कि जो स्टार्ट थी वो थोड़ी ऑल ऑफ अ सडन थी, जो थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल लगती है। दूसरा, जो गाने हैं वो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन थोड़े कम होने चाहिए, दो तीन गाने हो, उससे ज़्यादा गाने ना, और एक गाना जो होता है ना सेलिब्रेटिंग हिज पावर शिवा के, वो ज़रूर होना चाहिए, जैसे बाहुबली के अंदर आया था ना, कौन है वो कहाँ से वो आया, उस तरीके का एक गाना होना चाहिए। तो होपफुली इस वीडियो से आपको थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा कि ये मूवी जेन्युइनली ग्रैंड है, और काफ़ी लोग इसको डीमीन करने की ऑब्वियसली कोशिश कर रहे हैं, मुझे लगता है उनका दिमाग ही थोड़ा सड़ा हुआ सा है, क्योंकि अगर आप देखें तो एक नीड थी कुछ नया लाने की, वो बॉलीवुड हाई हाई हो रहा था, तो उन्होंने कुछ अच्छा अटेम्प्ट किया है और ये अटेम्प्ट काफ़ी पावरफुल है। कुछ कमियां हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऑस्कर विनिंग मूवी है, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखाया गया है, कुछ कुछ चीज़ें प्लस माइनस हैं जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, लेकिन फिर भी इस स्टोरी के अंदर काफ़ी दमखम है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको इस तरीके से रिडिक्यूल करना चाहिए, और जो रिडिक्यूल करने वाले लोग हैं जो फालतू के कमेंट्स करते रहते हैं उसको तो मैं वैसे भी डिलीट कर देता हूँ या फिर मैं ब्लॉक ही कर देता हूँ उनको, तो मेरे साथ तो बदतमीज़ी चलती नहीं है यार, अपने बाप से करना जाके बदतमीज़ी, मेरे से मत करना, ठीक है, तो वो बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होता मेरे से, ठीक है, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल ध्यान रखना कोई भी होगे, लेकिन बदतमीज़ी बिल्कुल अलाउड नहीं है। बाकी जो मूवी शूवियंस हैं वो तो बहुत ही प्यार से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो एटमोसफेयर है वो बिल्कुल ही पॉजिटिव बना रहे, उसको यार कायम रखना, जो पॉजिटिव एनर्जी की जो शक्ति होती है वो कभी कभी मैं भी जब थोड़ा सा लो फील कर रहा था वो एकदम रीइग्नाइट कर देती है, तो इसको बनाए रखना है यार प्लीज़, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। बाकी हम मिलते हैं यार एक और रिव्यू को अपडेट के साथ, आज शाम को एक लाइव सेशन भी है अभी के रिव्यू के साथ, तो वो ज़रूर देखना, उसके अंदर और ज़्यादा ट्रांसपेरेंटली हम बातें करेंगे और देखते हैं क्या क्या खुलासे होते हैं, हमें भी नहीं पता हम क्या बोलने वाले हैं क्या सुनने वाले हैं, पहला अटेम्प्ट है, लेट्स सी, ठीक है, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।